मित्रों, जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1 रिवीजन आंसर राइटिंग के अंदर आज़ादी के बाद का भारत, वहाँ पर नरसिम्हा राव और दीनदयाल की बात कर ली। अभी ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स पे जाते हैं। ऐसा जब 3 साल पहले ये सिलेबस में पॉइंट डाला गया था, लोकेशन फैक्टर्स फॉर इन ज्योग्राफी, तो एक लंबी चौड़ी आर्टिकल सीरीज मैंने तैयार की थी, तो आप mrunal.org/geography में जाइए, आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर कर ली थी। कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने बोला कि फेमिनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, या फिर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोटे टाउन्स की तरफ जाना चाहिए। तो वो क्या था, क्यों था? बजट इकोनॉमिक सर्वे 164 पार्ट 5, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और क्या चला, मैंने ये जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाया, उसके बाद ये योजना अक्टूबर 2016 का अंक, टेक्सटाइल में कुछ नए मुद्दे आए हैं। उसी प्रकार ये गौ हत्या, गौ रक्षक, काउ विजिलेंटिज्म, उस अनुसंधान में न्यूज़पेपर में ये भी चर्चा आती रहती है कि लेदर टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री को और प्रमोट करना चाहिए वगैरह। तो वो मुद्दों के हिसाब से कुछ नए सवाल बनाते हैं। 2013 की परीक्षा में यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न किया था कि दो इंडिया है सब्सटेंशियल रिजर्व्स ऑफ शेल ऑयल, उसको हम टैप क्यों नहीं कर पाए। मतलब कि कोई अपने पास एक रिसोर्स है, रिजर्व है, अपना कोई पोटेंशियल है, लेकिन हम उसे क्यों आगे वहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस हिसाब का प्रश्न बनाया था। सो लाइक दैट वील मेक सम क्वेश्चन फॉर लेदर इंडस्ट्री एज वेल। खैर, अपना यहाँ पर भी फॉर्मेट वही है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखेगा, आप वीडियो पॉज करें, एक ब्लैंक पेज में एक एक इंच का मार्जिन छोड़ के जवाब लिखिए, राइट, जवाब लिखिए, फिर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और अंत में मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे। एट दैट टाइम आप अपना जवाब खुद से रिव्यू कर लीजिए। ओके, प्रश्न देखते हैं। पेपर 1 के लिए, डिस्पाइट हैविंग लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन, वाई इज इंडिया नॉट द कैप्टन ऑफ इंटरनेशनल लेदर इंडस्ट्री। यद्यपि भारत के अंदर मवेशियों की सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय लेदर इंडस्ट्री के हम कैप्टन क्यों नहीं है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कैप्टन इज चाइना। पेपर 2 के लिए सवाल ये, अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार की नीतियाँ वगैरह। सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्रिटिकली एग्जामाइन द चैलेंजेस देयर इन। ऐसा ही एक और प्रश्न दूसरी इंडस्ट्री के लिए, एक्सप्लेन बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड सजेस्ट वेज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन देयर प्रोडक्शन। 3 सवाल है, 8-8 मिनट के हिसाब से आप वीडियो पॉज करें, जवाब लिखिए, वीडियो रिज्यूम करिए। वेलकम बैक, आई होप आपने जवाब लिखे हैं। एक एक करके टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि लेदर इंडस्ट्री में भारत कैप्टन क्यों नहीं है। तो जरा सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि भाई भारत के अंदर लेदर इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ पर होगा, और क्या वहाँ पर ये जानवरों की खाल, उसका सप्लाई एकदम आराम से होता होगा, सप्लाई इरेटिक होगा, काउ विजिलेंटिज्म, गुंडा टैक्स, ये सब समस्याएं होंगी। फिर ये लेदर का आप टैनिंग प्रोसेस शुरू करोगे तो पर्यावरण में प्रदूषण होता है, तो क्या एनजीओ वाले कुछ दिक्कत कर रहे हैं? भारत के अंदर वैसे ही जनता प्राइस कॉन्शियस है, तो क्या लेदर इंडस्ट्री को उतनी डिमांड भारत से मिल जाती है? क्या हमें कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है? और ये टैनिंग प्रोसेस में एनवायरमेंट का कंसर्न जो है, उसके चलते आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि भाई अमेरिका नहीं, चाइना इज द लीडर इन दिस इंडस्ट्री। एक एक करके सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के अंदर लेदर इंडस्ट्री का लोकेशन। यहाँ पर मजे की बात यह है कि एनिमल इज नॉट द कंसिडरेशन, वरना जानवर तो हर एक जगह पर मिल जाएंगे आपको। प्राइम कंसिडरेशन इज कि पानी मिलना चाहिए, ताकि टैनिंग प्रोसेस में वाटर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। उसी प्रकार वो पूरी कामगिरी के लिए सस्ता लेबर भी मिलना चाहिए, एंड देयर शुड बी कॉन्सनट्रेटेड डिमांड। देखिए, एज अ डिमांड तो बूट तो सबको पहने, तो सभी राज्यों के अंदर डिमांड होगी, बट वेयर देर इज़ अ कॉन्सनट्रेटेड डिमांड, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। उस हिसाब से अगर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चलेगा कि हाँ, एक अपना बड़ा सेंटर है लेदर इंडस्ट्री का, उत्तर प्रदेश। क्योंकि मुगलों के ज़माने से यहाँ पर उनकी ये जूती और दूसरे ऐसे गुड्स देवर पॉपुलर, अरब लोग भी यहाँ से इम्पोर्ट करके ले जाते थे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो गंगा किनारे जितने भी शहर है, तो टैनिंग करने के लिए वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंट अमाउंट। इंटरनल डिमांड भी है, बहुत सारी जनता वहाँ पर है, और बाजू के राज्यों से भी अच्छी खासी कॉन्सनट्रेटेड डिमांड आती है। पंजाब, मोहाली, तो स्पोर्ट्स गुड्स, तो वहाँ पर भी ये लेदर ग्लव्स, बॉल वगैरह बनाने के लिए। उसी प्रकार हरियाणा, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उसकी अपहोल्स्ट्री लेदर फिनिशिंग करने के लिए। तो मतलब कॉन्सनट्रेटेड डिमांड इज अवेलेबल, देयरफॉर उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ये लेदर इंडस्ट्री पनपी दिखती है। दूसरा एक बड़ा सेंटर है तमिलनाडु। अंग्रेज़ों के ज़माने में, मद्रास प्रेसिडेंसी के समय से ही वहाँ ये धीरे धीरे उद्योग इंडस्ट्रियल फॉर्म में बढ़ने लगा, क्योंकि अगेन वहाँ पर भी वाटर बॉडीज़,
फ्रेश वाटर फॉर टैनिंग अवेलेबल, चीप लेबर भी है यस, और तमिलनाडु से जो पोर्ट्स हैं वहाँ से विदेशों में भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तमिलनाडु के अंदर आज़ादी के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो भी डेवलप हुआ, तो वहाँ पर लेदर अपहोल्स्ट्री, वो चेयर्स के लिए कुशनिंग वगैरह, तो वहाँ से भी हमको कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड मिलती है, देयरफॉर तमिलनाडु के अंदर भी ये इंडस्ट्री बनी है। उसी प्रकार एक तीसरा बड़ा सेंटर है वेस्ट बंगाल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त बूट बेल्ट, बंदूक के वो उसके बेल्ट्स और वो होल्स्टर वगैरह, उस सब के लिए लेदर गुड्स की डिमांड बढ़ी थी। तो बाटा नाम की एक विदेश कंपनी, वैसे तो भारत में कार्यरत थी बट उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर 24 परगना के बाजू में एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप कर दिया टू केटर द डिमांड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि यहाँ ये पोर्ट से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। चीप लेबर अवेलेबल था यस, हुगली रिवर तो फ्रेश वाटर अवेलेबल था यस, और ये इतना आगे बढ़ा कि ये जगह का नाम ही बाटा नगर और उसे पिन कोड भी दे दिया गया। सो लाइक दैट एनिमल इज नॉट द कंसिडरेशन, एक तो पानी मिलना चाहिए टैनिंग के लिए, सस्ता लेबर होना चाहिए एंड देयर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड। अगर सीधी अंदर है फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स गुड या ऑटोमोबाइल तो बढ़िया, अदरवाइज पोर्ट के पास, ताकि वो जो बाहर कहीं कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड है उसे यहाँ से आप सेटिस्फाई कर सके। आगे चल के हम पाते हैं कि अपनी सरकार ने तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर लेदर इंडस्ट्रियल पार्क्स भी डेवलप किए हैं। सो इट इट सेल्फ शोज कि भाई यहाँ पर उसका पोटेंशियल होगा तो ही, दूसरी किसी राज्य में इसलिए नहीं किया। खैर, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर कुछ पता चले, अब एक एक करके सप्लाई चेन में चलते हैं और वहाँ क्या क्या खामियां हैं जिसके चलते भारत इंटरनेशनल कैप्टन नहीं बन पा रहा है। देखिए, जब कैटल उसकी चमड़ी होगी देन वी विल यूज द वर्ड हाइड, या फिर और अगर ये गोट या शीप की चमड़ी होगी देन वी विल से एनिमल स्किन, तो ये अंग्रेजी शब्दों में इतना फर्क है। सप्लाई की बात करें, अमेरिका के अंदर तो आपको पता ही होगा वो बड़े बड़े फार्म के अंदर जानवरों को रखते हैं दूध के लिए, मीट के लिए, तो वो फिर उसी वक्त जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है दे विल स्लॉटर देम, मीट भी यूज़ कर लेंगे चमड़ा भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन भारत के अंदर हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, जितने अपने पास मवेशी ज़्यादा हैं वी सी देम एज अ साइन ऑफ वेल्थ, इसलिए उसे अब दूध नहीं दे रहा है तो बेच देते हैं कत्ल खाने, दैट टाइप ऑफ थिंग इज, एटलीस्ट एंशियंट मिडिवल टाइम में तो नहीं थी। देयरफॉर ये सप्लाई ऑफ हाइड वॉज इरेटिक। हाँ, हाल के वर्षों में तो अब गरीबी और सभी समस्या इतनी है कि वो इतने कल्चरल फैक्टर्स और जीव दया वगैरह इवन किसान भी मानते नहीं हैं। जब जानवर बूढ़ा हो जाए, दूध नहीं देता, खेती में वो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसे वो बेच देते हैं ताकि पैसा मिले, उस पैसे से नई फसल के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर या फिर कि कोई नया जानवर हम खरीद लें। सो लाइक दैट सेलिंग ऑफ ओल्ड एनिमल्स टू स्लॉटर हाउसेस वो चलते रहता है। लेकिन ये हाल के वर्षों में काउ स्लॉटर, बीफ बैन, इन सब के चलते ये जो इस प्रकार के मेले फेयर्स वेर ऑर्गेनाइज्ड वो महाराष्ट्र और अलग अलग जगहों में, उसमें कमी आई है और वहाँ पर भी किसान को दाम कम मिलता है। तो जैसे हम पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए OLX.in है, ऐसा भारत के अंदर ये जानवरों के लिए नहीं है। तो अंत में, क्योंकि किसान के पास एक तो वैसे ही पैसों की किल्लत है, उसे सीड फर्टिलाइजर वगैरह खरीदना है, तो ये जो ऐसा बूढ़ा जानवर है उसे मैं क्यों अपना घास चारा वगैरह खिलाऊं, ठीक है, तो वो जानवर को कहीं विल्डरनेस में, कहीं टाउन में, सिटी में छोड़ देता है। अब आप समझिए, ऐसा ये जानवर कहीं पे घूम रहा है गंदगी में, ठीक, उसे कोई अच्छा पौष्टिक आहार भी नहीं मिल रहा है, तो उसका चमड़ा वैसे भी स्क्रैच आ जाएगा, ब्रूजीज खराब हो जाएगा गंदगी में, एंड सच एनिमल विल डाई एट अ रैंडम प्लेस, तो 2-3 बाद को ही जाके कोई उसका चमड़ा उतारने को आएगा, तो उतने में वो पूरा उसके अंदर रॉटन चीज़ हो गई होगी। तो अंत में हमें जो चमड़ा मिलता है अमेरिका में, तो आप देखिए वो तो सीधा स्लॉटर हाउस में उसको मार के चमड़ा उतार लेते हैं, यहाँ एनिमल डाई एट अ रैंडम प्लेस और उसका टाइमली रिकवरी हो नहीं पाता, जिसके चलते खराब क्वालिटी का चमड़ा मिलता है। और जब ये चमड़ा उतारने का काम होता है, फ्लेइंग अंग्रेजी में शब्द है, फ्लेइंग का मतलब है टू रिमूव द स्किन, तो ऐसे जो दलित लोग और गरीब लोग इस काम में शामिल हैं उन पे उनके ऊपर ये काउ विजिलेंटीज वो गुंडा टैक्स वसूलते हैं। और वैसे भी ये दलित लोग गरीब हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मोबाइल ऐप बनाया है कि वो अच्छा यहाँ जानवर मर गया हम तुरंत जाके उसे लेके आएंगे, सो टाइमली रिकवरी दे कैन नॉट डू। और जो उसे साफ सफाई चमड़ा करने के लिए जो प्रिमिटिव टाइप के वो केमिकल यूज़ करते हैं फॉर फ्लेइंग एंड क्योरिंग, तो कई बार तो ये होता है कि चमड़ा वैसे भी खराब था क्योंकि जानवर बूढ़ा था, कहीं गंदगी में पड़ा था, और उसके ऊपर आप इस प्रकार के वो केमिकल एंड लाइन दे विल यूज, तो और 2-3 छेद और बन जाते हैं। सो अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ हाइड इज नॉट एज प्रीमियम एज इट इज इन USA। खैर, ये तो हमने जनरल स्टडीज में लिखना है, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न निबंध में पूछा जाए तो आप इसे और एक्सपांड करिए कि भारत के अंदर ये चमड़ा उतारने का काम
इट इज़ कंसिडर समथिंग लाइक टेबू, ये तो घृणास्पद गंदा काम है। और इस प्रोफेशन के अंदर कोई प्राइड नहीं है ना, समाज इसे उस अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। सो वॉट वी नीड टू डू इज़ कल्टिवेट अ प्राइड इन दिस प्रोफेशन अमॉन्ग द पीपल एंड विद इन द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, ये जानवर है और उसका चमड़ा, इट इज़ वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल बायोटिक सोर्स। अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो सड़के गल जाएगा, है ना। सो बेटर वो चमड़ा उतार के उसकी कोई अगर हम यूजफुल चीज़ बनाएं, बेल्ट, बूट, लेदर, पर्स, कुछ भी, तो वो तो एक अच्छा काम है। एंड सेकेंडली, अगर हमने ये चमड़े से कुछ नहीं बनाया, उसे सड़ने दिया, देन अल्टीमेटली पीपल, उनको तो बूट तो अभी भी पहनने हैं, सो दे विल गो फॉर सिंथेटिक लेदर जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से बनाया जाता है, तो उसका प्रदूषण, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये तो एक प्रकार से प्रकृति की सेवा ही है। इस प्रकार का प्राइड इन प्रोफेशनल प्रोफेशन ये कल्टिवेट करने की भारत में आवश्यकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सो ऑल इन ऑल की सप्लाई ऑफ हाइड इज इरेटिक एंड ऑफ पुअर क्वालिटी। अब ये चमड़ा अपने पास आया है तो उसका टैनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही आप चमड़ा रखेंगे तो वो कड़क हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, उसे फिर आप उसमें सिलाई करना है, कुछ शेप देना है ग्लोव्स का, वो पॉसिबल नहीं। सो वी हैव टू डू टैनिंग। टैनिंग का मतलब कि उसके अंदर क्रोमियम सॉल्ट डाल के वो पूरी प्रक्रिया करेंगे तो चमड़ा नरम हो जाएगी, उसके फाइबर वगैरह वो ठीक हो जाएंगे। अब ये करने के लिए फ्रेश वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये जो जितनी भी टैनरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा में देख लीजिए, हुगली में देख लीजिए, हम चाइना के कंपेयर में ज़्यादा वाटर और एनर्जी यूज़ करते हैं। और ये क्रोमियम सॉल्ट यूज़ किया तो वो जो बाहर पानी आएगा, इट विल कंटेन सल्फाइड, तो वो पानी में, खेती में यूज़ नहीं कर सकते, इवन वापस टैनिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ अगर करना हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन या ऐसा कुछ फिट करना पड़े। अपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इन्वेस्टमेंट है नहीं कि कुछ कर पाए। तो वैसे तो सिंथेटिक लेदर इज़ ऑल्सो बैड क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनता है, बट ट्रेनिंग में इतना सब कुछ होता है तो ये वाला भी एनवायरमेंटली दूषित हो जाता है। खैर अब यही एनवायरमेंटलिज्म के चक्कर में देर हैज़ बीन अ माइग्रेशन ऑफ लेदर एंड टैनिंग इंडस्ट्री फ्रॉम यूएसए टू चाइना। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, माइग्रेशन कभी भी हो तो दो कारण होते हैं, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर्स ये आप जैसे कि हॉलीवुड की फिल्में देखिए, एरिन ब्रॉन्कोविच, पेलिकन ब्रिग, इन सब में फलसफा क्या होता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है उसे कैंसर हो जाता है, तो फिर कोई एनवायरमेंटलिस्ट टाइप का वो लॉयर क्लास एक्शन सूट फाइल कर देगा कंपनी के खिलाफ और फिर अरबों रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा, या फिर कि यहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी टावर लगाया इसके चलते इन लोगों को कैंसर हो गया तो अब करोड़ों का कंपनसेशन दो। सो लाइक दैट ये सब लोग, इस प्रकार के जो उनकी जो भी अमेरिकन मेगा पार्टनर थी, उन सब ने आक्षेप शुरू किए कि ये जिन इलाकों में टैनिंग इंडस्ट्री है और वहाँ से नदी में क्रोमियम और सल्फाइड वाला पानी छोड़ा जाता है, उन इलाकों में बच्चों में ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर का प्रमाण ज़्यादा मिलने देखने को मिला, और ये पूरी इंडस्ट्री वाटर और ग्रीन हाउस गैस में बहुत इंटेंसिव है, तो इस पे इतना इन्वायरमेंटल टैक्स होना चाहिए, इन्होंने इतने अरबों रुपए का भुगतान करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, और ये अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट दे सिंपली स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर बिजनेस टूवर्ड्स, कहाँ जाएंगे, पुल कहाँ पर होगा जहाँ एकदम खुलेआम चलता है कि कोई ऐसा एनवायरमेंट का हमें बहुत दरकार नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स वेर हैपनिंग इन द 80s। उसी वक्त हम पाते हैं कि चीन के अंदर ये डेंग जियोपिंग, ही बिकम्स देयर प्रेसिडेंट, और वो वहाँ पर कहता है कि भाई आप पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर लाइए, हम ऐसे इन्वायरमेंटल कोई कंसर्न हमारे हैं नहीं, और भी क्या काम करते हैं वो। देखिए, अगर ऑटोमोबाइल या एविएशन के अंदर लेदर वाली कुछ सीट बनानी है या फिर कि सूटकेस बनाना है, तो सभी में जहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रिजिम होगा, वहाँ पर ये इंडस्ट्री और ज़्यादा पनपेगी। बिकॉज सपोज सूटकेस बनाना है तो लेदर भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, मेटल भी चाहिए, राइट? तो जब भी आप इनपुट परचेज कर रहे हैं उस पर इनपुट क्रेडिट मिले तो वो पूरी इंडस्ट्री एकदम कॉरपोरेट स्टाइल से बढ़िया बढ़िया चल सकती है। सो ये डेंग जियोपिंग, उन्होंने 1984 के अंदर ही अपने पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वैल्यू एडेड टैक्स चाइना के अंदर लागू कर दिया, और साथ ही साथ लाइट मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी परमिट कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि वो जो अमेरिकन मेगा पार्टनर से जो ग्रसित थे वहाँ के अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, दे सिंपली शिफ्टेड देयर टैनिंग बिजनेस टू चाइना, और वो अपने साथ साथ विदेशी मूड़ी तो लेके आए, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आए। फॉर एग्जाम्पल गोल्फ, उसके अगर लेदर ग्लोव्स बनाने हैं तो एकदम चमड़ा पतला और नरम होना चाहिए ताकि वो एकदम आप आराम से हाथ अपना मूव कर सके। तो चमड़े को टैनिंग की प्रोसेस में एकदम ये पतला कैसे कर दें, नरम कैसे कर दें, ताकि उसके ये ग्लोव्स गोल्फ के लिए क्रिसमस गिफ्ट के लिए बना सके, दैट एंटायर टेक्नोलॉजी वो अमेरिकी लोग अपने साथ चाइना में लेके आए। तो देयरफॉर चाइना इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और विदेश में बेच भी सकता है। ऑपोजिट टू दैट, भारत के अंदर 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या रेजोल्यूशन आया, तब जवाहरलाल को ये लगा
कि ये लेदर इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर दलित और मुस्लिम लोग रोजगार में लगे हैं, तो यहाँ अगर बड़े उद्योगपति आ गए तो इनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट कर सकता है। देयरफॉर लेदर इंडस्ट्री वॉज रिजर्व फॉर SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ अगर बड़े उद्योगपति ने अपनी कारखाना शुरू करना है, ही विल नीड टू गेट लाइसेंस। तो लाइसेंस राज शुरू हुआ, अंत में हार्डली सम थ्री बड़े उद्योगपतियों को ये मिला था, बाटा, लखानी और समथिंग समथिंग। तो अब आप समझिए कि बहुत कम कंपनियां अगर लेदर इंडस्ट्री में हैं तो आपस में कोई कंपटीशन होगा नहीं, इनोवेशन होगा नहीं, तो उनको ऐसी कोई पड़ी नहीं है कि भाई ग्लव्स के लिए, ये गोल्फ के ग्लव्स बनाने के लिए कुछ पतले लेदर का डिज़ाइन करें वगैरह वगैरह। एंड अल्टीमेटली देखिए, चाइना के अंदर तो वैट एंड LPG रिफॉर्म्स टाइप का हमें 80s के अंदर ही देखने को मिलता है। भारत में 92 में राव के द्वारा LPG रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, एंड फास्ट फॉरवर्ड आगे चल के UPSR का 2005 के अंदर कुछ वैल्यू एडेड टैक्स या लेके आती है। सो देयरफॉर पहले से ही अमेरिका वाले तो चाइना में बस गए थे, तो भारत में कैसे आएंगे? सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो अल्टीमेटली वी फाइंड कि भाई एज सच अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनका क्लाइमेट और एनिमल हस्बेंड्री एकदम उम्दा किस्म का है, तो बेस्ट क्वालिटी का चमड़ा बनता है। लेकिन पुश फैक्टर्स दो रहे, एक कि ये अमेरिकन मेगा पार्टकर एनवायरमेंटलिज्म, और दूसरा कि डेट्रॉइट की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो भी धीरे धीरे डाउनफॉल में जाने लगी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो ग्रेजुअली स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स चाइना जापान। तो स्वाभाविक है, वहाँ से जो डिमांड आती थी चमड़े की सीट्स बनाने की, वो कम होने लगी। अल्टीमेटली अमेरिकी उद्योग, जो चमड़े के उद्योग थे, उन्होंने वो खुद से शूज़ वगैरह यहाँ पे नहीं बनाएंगे, दे सिंपली एक्सपोर्ट देयर हाइड्स टू एल्सवेयर। पूरे एक साल के अंदर $3 बिलियन से ज़्यादा की हाइड एक्सपोर्ट करते हैं, हाफ ऑफ दैट गोज टू चाइना। अब चाइना के अंदर आप देखिए मजे की बात कि वहाँ पर ये कैटल पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है, हाँ पिग एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, लेकिन पिग के चमड़े में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे केवल जिलेटिन बनाने में वो काम आता है, या उसका बेल्ट या बूट बनाने में उपयुक्त नहीं, बट ये बाहर का अमेरिकी चमड़ा लेके वो सारी चीज़ बनाते हैं। सेम वे भारत के अंदर भी जो जितना हाइड है, वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ दैट। बट आप देखिए, ऑल दो इंडिया इज हैज़ द लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन, लेकिन हम कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं हाइड? 40 करोड़ का। और USA कितना करता है? $3 बिलियन का। दो कारण है, क्वांटिटी के रूप में भी और क्वालिटी के रूप में भी। उनके यहाँ हैज पूरा स्लॉटर हाउस में काट के वो किया होगा, हमारे यहाँ एनिमल डाइज एट रैंडम प्लेस, टाइमली रिमूवल ऑफ द स्किन इज नॉट डन, वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली लाइक दिस, चाइना को पूरा सप्लाई मिल रहा है एंड दे हैव बिकम द कैप्टन। और यहाँ से फिर वो ब्लैक मार्केट में फेक प्रोडक्ट भी, कि प्यूमा और एडिडास का ये नकली माल, ऐसे करके यूरोप में बेच देते हैं। यूरोप के अंदर एयर ट्रैवल भी बहुत होता है, तो वो अपने साथ कैबिन में ले जाने के लिए हैंड बैग, उसकी भी मांग रहती है, वो पूरा चाइना के द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब इसी को और रिफाइन करके समझे, डिमांड हम पाते हैं कि USA, यूरोप, चाइना, इन सब में सर्दी बहुत इतनी ज़्यादा पड़ती है कि केवल ये वुलन स्वेटर से काम नहीं चलेगा, लेदर वाला हो तो और मज़ा आता है। सो देयरफॉर देयर इज डिमांड। USA के अंदर आपको पता है, वैसे भी लोगों में बचत का वो जो हमारे अंदर कैरेक्टर में है वो नहीं है। सो एवरी पर्सन विल बाय एटलीस्ट 7 पेयर ऑफ बूट्स एवरी ईयर, तो इम्पल्सिव परचेस बहुत सारा रहता है। उनको जॉगिंग के लिए एक चाहिए, गोल्फ खेलने के लिए एक, जिम का एक शूज़, बॉलिंग का एक शूज़, और फिर कंपनी में जाने के लिए तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल शूज़ वगैरह वगैरह। सो देयर इज लॉट ऑफ डिमांड। चाइना के अंदर भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा फिल्मों की, जो अश्वेत व्यक्ति है उसके पास जितनी गाड़ी, जितने डॉलर की है, उससे ज़्यादा महंगे का वो अंदर स्टीरियो फिट कराता है, वो उनका मिजाज है। उसी प्रकार चाइनीज लोगों का ये मिजाज है कि गाड़ी के अंदर वो सस्ती हो कि महंगी, पूरी अंदर का फिनिशिंग सीट्स वगैरह तो लेदर का ही होना चाहिए। सो फॉर देम सम टाइप ऑफ वेबलैंड गुड है लेदर। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेबलैंड गुड्स पढ़े थे, ऐसी चीज़ जिसका दाम बढ़े तो साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है, बिकॉज जनता ये समझती है कि हमारा स्टेटस बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स। तो इस प्रकार से चाइना के अंदर गाड़ी में अगर वो है नहीं लेदर वाला, तो वो बाहर से एसेसरी के रूप में फिट कराएंगे। सो देर इज़ लॉट ऑफ डिमांड। जहाँ पर भी कोई चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट, एक्सपांशन, R&D, वेराइटी ऑफ मॉडल्स, वो सब बढ़ेगा। जैसे मोबाइल फोन में होता है, उसी प्रकार यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री में भी होता है। ऑपोजिट, सो यहाँ पर चाइना का कैप्टन बनना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है और इन्वेस्टमेंट आते रहता है। ऑपोजिट टू दैट, भारत में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिलीजियस कंसिडरेशन बहुत सारे लोग चमड़े की चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। फिर ये जीव दया वगैरह, मेनका गांधी ने RSS को बोला, तो RSS अब अपने यूनिफॉर्म के अंदर बेल्ट और बूट में चमड़े वाले चीज़ नहीं यूज़ कर सकती, नहीं करती। सो लाइक दैट डिमांड इज़ गोइंग डाउन। फिर अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वुलन क्लोथ्स आर सफिशियंट, लेदर वाला जैकेट हमको नहीं चाहिए। और जहाँ चाहिए भी होगा, लेटर से कश्मीर या हिमाचल, तो वहाँ जनता इतनी गरीब है कि वो ऐसे ही काम चला लेती है। एज सच बाय एंड लार्ज अवर एंटायर पॉपुलेशन, वी आर प्राइस कॉन्शियस, तो नॉन लेदर सिंथेटिक टाइप का अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो पहले खरीद लेंगे।
ये योजना वगैरह में ऐसा भी लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने से हो सकता है कि इस इंडस्ट्री का दाम और बढ़ जाए एंड हैंडलूम और ये जो ट्रेडिशनल लेदर क्राफ्ट वाले लोग हैं उसके सामने सिंथेटिक का माहौल और बनेगा। सो इट विल फर्दर हर्ट अवर इंडस्ट्री। जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है, ई कॉमर्स आता है, डबल इनकम, नो किड्स टाइप के कपल्स, तो वहाँ पर इम्पल्सिव परचेजिंग बढ़ने लगता है। भारत में भी ये धीरे धीरे हो तो रहा है, बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह वगैरह सिटी में। लेकिन वो जो लोग परचेज करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वहाँ पर हमको ये इम्पल्सिव परचेज देखने को मिलता है। बट दैट इज़ नॉट येट रिफ्लेक्टिंग इन द लेदर गुड्स कि मुझे ये ड्रेस के साथ मैच करने के लिए ये लाल रंग का लेदर बैग चाहिए या ये बेल्ट चाहिए लेदर का। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर स्टिल नॉट हैपनिंग बिकॉज अल्टीमेटली वी आर प्राइस कॉन्शियस पीपल। सेम वे आजकल ये एयरप्लेन टिकट सस्ते हो गए तो एयर ट्रैवल बढ़ा है, लेकिन वहाँ अंदर लगेज में रखने के लिए वो हैंडबैग हम सिंथेटिक हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई लेदर का एक्सपेंसिव चाहिए ऐसा कोई हमारा चीज़ नहीं है। सो वी आर प्राइस कॉन्शियस, देयर फॉर डिमांड इज लेस। तो डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, इनोवेशन भी कम ही होगा। ई कॉमर्स की बात करें, चाइना में ई कॉमर्स का उदय भारत से पहले हो गया, तो वहाँ पर ये अलीबाबा, उसने जैक मा, उसने मार्केट प्लेस मॉडल बनाया। मतलब आप कोई भी आदमी आके वहाँ कंपनी मतलब अपने अकाउंट रजिस्टर करे और प्रोडक्ट वो बेच सकता है। तो आप यहाँ फोटो में पाएंगे, ये देखिए अनब्रांडेड लेदर ग्लोव्स और गोल्फ ग्लोव्स एंड एवरीथिंग, तो कोई भी आदमी वहाँ पर बेच सकता है वो। अपोजिट टू दैट, भारत के अंदर ये पूरी लेदर तो बहुत सारे समय तक तो क्योंकि लाइसेंस राज था तो कोई बड़े उद्योगपति तीन चार को छोड़ के नए आए नहीं। उसके बाद भी अनऑर्गेनाइज टाइप का सेक्टर है, ये जनाब अपनी दुकान में बेच रहे हैं, ये सारे जूते उन्होंने अपने घर पे ही बनाए होंगे, राइट। लेकिन अब इसके आगे चल के उसका मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, कस्टमर से और नज़दीक कैसे जाऊँ, ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करूँ, सेल्स चैनल, गाइडेंस, मार्केटिंग स्किल, ये सब स्टिल लैकिंग। ई कॉमर्स अब आया, स्नैपडील वगैरह मदद करते हैं, बट दे आर स्टिल इन द नेशेंट स्टेज। चीन में तो ये 10 साल पहले से हो गया, तो ऑब्वियसली वो पहले कैप्टन बन जाएंगे। अब विराट कोहली पहले कैप्टन बन गया तो ईशांत शर्मा तो कैसे बनेगा, राइट। सो इस प्रकार से अपने पास पर्याप्त मुद्दे जमा हैं। अब हम प्रश्न का जवाब बनाते हैं कि भारत क्यों कैप्टन नहीं है डिस्पाइट हैविंग लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन। कचर पट्टी जवाब ऐसा कुछ होगा, मैंने आपको सिखाया कि इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, ओरिजिन दे सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा लिखेंगे कि हाँ, शंकर भगवान वो भी टाइगर के चमड़े पे मेडिटेशन करते थे, बाइबल में ऐसा लिखा है कि आडम और ईव को उन्होंने, निर्वस्त्र थे तो उनको परमेश्वर ने चमड़ों के वस्त्रों से ढका, तो वहाँ से लेके लेदर इंडस्ट्री चली आ रही है, यूजलेस इंट्रोडक्शन। फिर रीजंस में आप अगर ये सब बताएं कि गौरक्षक गुंडा टैक्स लेते हैं, दलित एंटरप्रेन्योर को लोन नहीं मिलती है, पंजाब मोहाली लैंड लॉक है तो वहाँ से पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कोल्हापुर चंपल को जीआई नहीं मिला है देयरफॉर डिमांड इज डाउन, एंड कंक्लूजन कुछ डीपीएसपी फंडामेंटल राइट मारपीट के जोड़ दिया, एंटायरली यूजलेस टाइप ऑफ कचरा आंसर। थोड़ा रिफाइन करके अपने पास पॉइंट है तो अच्छा लिख सकते हैं। देखिए ये सारे कारण भी जिम्मेदार हैं बट दे आर वेरी स्मॉल। जो बड़ी बड़ी रोटी चावल दाल चावल होना चाहिए वो तो कुछ और मुद्दे थे, समझते हैं। प्रश्न अपना क्या था, डिस्पाइट हैविंग लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन भारत इंटरनेशनल लेदर इंडस्ट्री का कैप्टन क्यों नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में हम ओरिजिन दे सकते हैं डिफाइन करने की जगह, फिर पैराग्राफ वन में लोकल फैक्टर की चर्चा करो, पैराग्राफ टू में आप बताओ कि चाइना क्यों बॉस बन गया इसलिए हम नहीं कर पाते, कंक्लूजन में अब देखिए कि यहाँ बात क्या है, कैप्टन ऑफ द इंटरनेशनल लेदर इंडस्ट्री मतलब कंपटीशन की बात है। तो यहाँ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और गरीबों को साथ में लेना ये सब नहीं, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, R&D इस प्रकार का कोई कंक्लूजन बनना चाहिए। प्रयत्न करते हैं, सबसे पहले हमको ओरिजिन दिखाना है। तो मैंने एक ऐसा ओरिजिन तैयार किया है कि आप लेदर, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट कोई भी जवाब में फिट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल लेदर हैज़ यूनिवर्सल अपील बिकॉज ऑफ हिज एस्थेटिक एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। एस्थेटिक है, एकदम मुलायम प्रीमियम क्वालिटी का होता है, फंक्शनल तो है अपने को सर्दी से बचाता है वगैरह। और यही वाला इंट्रोडक्शन आप कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल में भी लिख सकते हो। जूट में लिखो तब ध्यान इतना रखना कि टाइम इमोरियल से यूज तो कर सकते हैं यूनिवर्सल अपील बिकॉज ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी, एस्थेटिक नहीं लिखना है बिकॉज जूट इज अ कोर्स फाइबर, तो एस्थेटिक वो तो बहुत नहीं लगता। खैर, मध्यकालीन भारत से ही गुजरात में ये पका हुआ चमड़ा और उत्तर प्रदेश की जूतियाँ ये अरब ट्रेडर अपने साथ बहुत ले जाते थे, वहाँ पर उनका बहुत मांग रहता था, ऐसा मैं नहीं मार्को पोलो ने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है। खैर, रियल लाइफ में अब हर एक इंडस्ट्री का ऐसा किधर याद रखने जाएंगे कि क्या कौन सा ट्रैवलर बोल के गया, बट आप आराम से इंट्रोडक्शन ऐसा बना सकते हैं, इमेमोरियल टाइम से यूज़ होता है, फंक्शनल एस्थेटिक प्रॉपर्टी है और मध्यकालीन भारत से भी ये अरब लोग इसे बहुतायत मात्रा में व्यापार के लिए ले जाते हैं, ले जाते थे वो। सिल्क का भी लिख सकते हो, टेक्सटाइल सभी के लिए लाया सही है वो। सो अपना ओरिजिन टाइप का जवाब हो गया। अब
और भी तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन बनाने के। फॉर एग्जाम्पल, आप ओरिजिन के नाम पे स्टेज दिखाओ कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, कि पहले फ्लेइंग एंड क्यूरिंग होता है चमड़ा उतारना, फिर टैनिंग एंड ट्रीटमेंट, फिर कटिंग एंड सुइंग, एंड फॉलोइंग आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट। एक दो तीन चार बुलेट से आप बनाओ तो भी जवाब सही है। जूट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करना है, फिर उसका रैटिंग एंड फिर ड्राइंग एंड पैकेजिंग, तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हर एक स्टेज में, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस, उस प्रकार से जवाब बने वो भी सही है। सिल्क में भी ऐसा ही हो सकता है, एग हैचिंग, वॉर्म, उसका ककून निकाला, रीलिंग, यार्न, मार्केटिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट ऑल्सो वी कैन प्रोसीड। सही है। खैर, तो किसी भी एक तरह से चालू किया जवाब। अभी फर्स्ट पैराग्राफ, वहां पर हम इंटरनल इशू की बात करेंगे, आंतरिक समस्याएं क्या हैं। यस इट इज ट्रू कि हमारे पास मवेशी की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बट स्टिल द सप्लाई ऑफ हाइड इज पुअर इन बोथ क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो जानवर को स्लॉटर हाउस में नहीं जा पाता, पुराने जानवर को कहीं भी छोड़ देते हैं, वो दे डाइट रैंडम प्लेसेस, टाइमली रिकवरी नॉट डन, और रिकवरी करते भी है तो क्रूड मेथड्स ऑफ क्योरिंग एंड फ्लेइंग, तो वो चमड़ा और ख़राब हो जाता है। फिर वो चमड़ा आप स्टेज वाइज ही जाइए, आराम से लिख सकते हैं कि भाई टैनिंग और प्रोडक्शन स्टेज में टेक्निकल एनवायरमेंटल कंस्ट्रेन, एनर्जी वाटर कंजम्पशन अपना ज़्यादा है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज मिसिंग कंपेयर टू चाइना, क्योंकि अपना प्रश्न ये है इंटरनेशनल कैप्टन बनना है तो चाइना के सामने ये तकलीफ है। एंड लास्टली डिमांड इज ऑल्सो लो बिकॉज ऑफ, आप बताइए कि वेदर के चलते वुडन क्लोथ सफिशियंट, वी आर प्राइस कॉन्शियस वगैरह वगैरह, एंड दिस हैज़ फर्दर रिड्यूस द एक्सपांशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि मांग ही नहीं है तो इन्वेस्ट कौन करेगा। तो ये आंतरिक अपनी समस्याओं की बात करी। अब आप दूसरे बॉडी के दूसरे सेकंड पैराग्राफ में ये बताइए कि क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी अ कैप्टन, तो उसे अनसीट करके हम इंटरनेशनल कैप्टन बनना ये जरा मुश्किल है। क्यों? ऐसा ट्रेडिशनली हर एक देश के अंदर लेदर इंडस्ट्री इट इज यूजली फैमिली ओन बिजनेस, की वही जूता चमड़ा बना लेते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, उसके चलते ये टैनिंग का पूरा काम धीरे धीरे चाइना की तरफ आउटसोर्स होने लगा। बिकॉज ऑफ द लैक्स एनवायरमेंटल लॉज, उन्होंने अपनी इकोनॉमी वेट एलपीजी रिफॉर्म्स पहले ले लिए थे, और वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी पनपी, तो उसमें लेदर अपहोल्स्ट्री का मांग रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस चाइना ऑलरेडी बिकम अ कैप्टन, तो अनसीट करना थोड़ा मुश्किल है। अब आप कंक्लूजन क्या करेंगे? एग्जामाइन द रीजन और समथिंग लाइक दैट, तो फिर फाइंडिंग प्रकार का कुछ लिखना पड़ता, या फिर कि डिस्कस तो कुछ समरी करना पड़ता। लेकिन आप पाएंगे कि ये जवाब के अंदर हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि अब उसको वापस समराइज करके लिखना जरा टीडियस हो जाता है, तो बेटर वी जस्ट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट क्या होगा कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट के साथ कि हाँ हम कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू अनसीट चाइना इन द शॉर्ट टर्म, करेक्ट, बट देर आर अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइजिंग, क्योंकि चाइना के अंदर अब लेबर कॉस्ट पहले से बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सभी इंडस्ट्रीज स्लोली दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिया। सो इफ यू अडॉप्ट सम पॉलिसी टू इनकरेज इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द लार्ज कंपनीज, और ये छोटे छोटे हैंड हाउस होल्ड प्रकार की इंडस्ट्री है उनको हम हैंड होल्ड करें और साथ में लेके चले, देन वी कैन डेफिनेटली एस्पायर टू बिकम अ लीडर इन द इंटरनेशनल लेदर इंडस्ट्री। इस प्रकार से पॉजिटिव नोट में ये जवाब हो सकता है। एक और बात यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल तो INTL मैंने लिख दिया, बट पूरी एग्जाम में आप लिखो तो फुल फॉर्म में लिखना चाहिए स्पेलिंग इंटरनेशनल लाइक दैट। खैर, पहला प्रश्न अपना लेदर इंडस्ट्री देख लिया। दूसरा प्रश्न था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वहाँ पर क्या चैलेंज है।